अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, नेशनल असेंबली की बिजली काट दी गई है। तो पाकिस्तान में बड़ा सियासी संकट देखने को मिल रहा है। कहा यह जा रहा था कि विपक्षी पार्टियां अभी भी नेशनल असेंबली के अंदर वहां पर मौजूद हैं, अब यह कहा जा रहा है कि नेशनल असेंबली की बिजली काट दी गई है। तो एक के बाद एक नए घटनाक्रम पाकिस्तान की सियासत में आज देखने को मिल रहे हैं। अब ये बड़ी खबर पाकिस्तान की नेशनल असेंबली से आ रही है, जहां पर विपक्ष के तमाम नेता सुबह पहुंचे थे कि अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी, लेकिन इमरान खान ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक यहां पे खेला, स्पीकर के जरिए उस प्रस्ताव को खारिज किया, फिर राष्ट्रपति को नेशनल असेंबली को भंग करने की सिफारिश कर दी। लेकिन उसके बावजूद भी विपक्षी पार्टियां नेशनल असेंबली के अंदर मौजूद। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पाकिस्तान के नेशनल असेंबली की अंदर की ये तस्वीर है, जहां पर बिजली का कनेक्शन काट दिया गया है। अंधेरे में तमाम विपक्षी दल के नेता वहां पर मौजूद हैं, जिनको उम्मीद थी कि आज वोटिंग होगी, जिनको उम्मीद थी कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरह से इमरान खान ने आज ये बड़ा दाव खेला, उसके बाद पाकिस्तान की सियासत में तूफान आ गया है। तो ये तस्वीर देखिए, किस तरह से पाकिस्तान की नेशनल असेंबली से अंदर से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम विपक्षी नेता विपक्षी पार्टियां वहां पर मौजूद हैं, लेकिन बिजली का कनेक्शन वहां पर काट दिया गया है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने भंग की संसद, 90 दिनों के अंदर होंगे आम चुनाव, कार्यवाहक पीएम बने रहेंगे इमरान, विपक्ष पर लगाया साजिशकारों। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष की याचिका स्वीकार, कोर्ट ने सुनवाई के लिए बनाई स्पेशल टीम, विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पर फैसले को दी थी चुनौती। श्रीलंका में आपातकाल के बाद बिगड़े हालात, कोलंबो में पेट्रोल और डीजल के लिए लगी भारी भीड़, कर्फ्यू के बाद सरकार ने सोशल मीडिया पर भी लगाई पाबंदी। न्यूज 18 पर ग्राउंड जीरो से दिन भर देखिए पल पल की हर खबर। कि कादिरव के लड़ाकों ने ट्रैफिक लाइट को निशाना बनाया, यूक्रेन ने यह दावा भी किया कि चेचन लड़ाकों की ऐसी दिखावे की फायरिंग का ही नतीजा था कि वहां से न तो किसी के मौत की खबर आई और न ही कोई घायल हुआ। वहीं यूक्रेन ने भले ही चेचन लड़ाकों का मजाक उड़ाया हो, लेकिन वहां के एक अधिकारी की तरफ से जारी किए गए वीडियो ने उनके हमलों से मची तबाही को दिखाया। और ये वीडियो रूसी सैनिकों और कादिरव के लड़ाकों के हमले की गवाह रही एक लड़की ने बनाया, जिसमें उसने अपने घर के हर हिस्से को दिखाया। रूसी मिसाइलों के हमले ने उसके घर को काफी नुकसान पहुंचाया, खिड़कियों और दरवाजों के टुकड़े कमरों में गिरे नजर आए, पूरे घर में चकनाचूर हुए शीशे बिखरे दिखाई दिए। वीडियो बनाने वाली लड़की ने घर से बाहर के हालात भी दिखाए, वहां कई इमारत